इतना कीमती और इतना निर्माण शब्द दिता, क्या सिखा ने झोली च पाया? जितना प्रबल हंकार गुस्ताखी माफ सिखा दे देखण नु मिल रहा है, शायद ही किधरे देखण नु मिले। जितने कदम ने मुसलमानों की दुनिया देखण नु मिल रही है, शायद ही किधरे मिले। और जितना टूटा हुआ प्रेम ईसाइयों की दुनिया च मिलता है, शायद ही किधरे मिले। और जितनी अज्ञानता गुस्ताखी माफ हिंदुओं की दुनिया च मिलती है, शायद ही किधरे मिले। मैं लफ्ज दोहरा दें, मनुख की समस्या है कि मनुख दुखी है, आर्थिक तल से, शरीरक तल से, मानसिक तल से, परिवारक तल से। एक तो रैगरी पुरुष सामने आए, अवतारी पुरुष पैगंबर, उन्होंने समस्यावां का समाधान रखा। एक राजनीतिक लोग अगे आए, बेसी समझा वह सुलझावे, राजनीतिक परिवारक आर्थिक। तो मैं इस तरह राजनीतिक लोगों ने जिड़ी दवाई दिती, उस नाल ते रोग दूर नहीं होया। ते महापुरुषा ने जिड़ी दवाई दिती, वह मरीजा ने खाधी नहीं, वह सुट दिती परे, तो रोग अपनी थां ते मौजूद है, समस्या अपनी थां ते मौजूद है। सारी दुनिया दुखी है, बाली रोवे नाय खतार, नानक दुखिया सब संसार। दुख ते अपनी थां ते, चलो कोई शरीरक तल से दुखी नहीं होगा, आर्थिक तल से होगा, तो जे आर्थिक तल से दुखी नहीं है तो कम से कम परिवारक तल से होगा, तो जे परिवारक तल से भी दुखी नहीं है तो कम से कम मानसिक तल से होगा, राजनीतिक तल से होगा। कोई दावे ना ले नहीं कह सकता कि जिंदगी के हर पहलू च मैं सुखी हाँ, कोई भी नहीं है। महाराज कहने किस पे खोलो गंठड़ी, दुखी भरा आया, मैं अपनी दुखा की पंड के अगों खोला, अजय मैं खोलन लगना अगला पहले ही खोल के रख देने। मैं एक दुख की गल करना अगले दस सुना देने, किनू सुनाई है? किस पे खोलो गंठड़ी, दुखी भरा आया, राजनीतिक लोगों ने जो समाधान पेश किए नहीं समस्या हल हुई, महापुरुषा ने जो समाधान पेश किया वो कबूल नहीं होया, वो प्रवान नहीं होया। इस्लाम मुसलमानों को कबूल नहीं होया, गुस्ताखी मां, ज्ञान हिंदुओं को कबूल नहीं होया, प्रेम ईसाइयों को कबूल नहीं होया, सिखी सिख नू कबूल नहीं हुई। क्या है? क्या सिखां गुर सिखी है? सिखी विच प्रेम है, सिखी विच ज्ञान है, सिखी विच अमन है, सलामती है। वो एक एक गुण देने सिखी सारे गुण आ जाते, गुरु की मत में सब कुछ आ जाता है। क्या यह है? रूहे जमीन पे मुसलमानों तो बाद अगर कोई आपस में लड़ रहा सब तो ज्यादा तो सिख ने, मुसलमान लड़ रहे हैं बाजार विच परिवार विच, सिख लड़ रहे हैं गुरुद्वारों विच भी। मुसलमान ने भी एक कदम अगे चला गया, वो लड़ रहे हैं बाजार विच, वो लड़ रहे हैं परिवार तल पे खूब लड़ रहे हैं। सिख की लड़ाई इतनी अगे बढ़ गई, गुरुद्वारों च लड़ रहे हैं और रज के लड़ रहे हैं, और सहजे सहजे जैसे गुरुद्वारे लड़ाई झगड़े के अखाड़े बने तो लाभ उठा ले गए राधा स्वामी निरंकारी नामधारी किले वाले, और पता नहीं कितने लाभ उठा के लेके गए। भाई आओ थानू असी प्रेम देंगे, शांति देंगे, सुकून देंगे, नाम जपाइए। कुदरती गल है, जब सोना ना मिले तो मुलमे भी बण आती है, जब हीरे ना मिलन तो चमकते पत्थर भी बिकते हैं, जब सूरज नो बदलों के ओले छुपा के रख दई है तो मजबूरी कई दीवे जाग जला के बैठ जाते हैं, मजबूरी। ये मैं इस वास्ते थोड़े सामने अर्ज की थी कि इस सारे रस्तियां दे नाम ने, सिख मत एक रस्ता है, जैन मत एक रस्ता है, बौद्ध मत एक रस्ता है, इस्लाम एक रस्ता है, वैदिक मत एक रस्ता है, ईसाइयत एक रस्ता है, इस्लाम एक मार्ग है, सब रस्ते हैं। इस संसार तो शुरू होते हैं निरंकार तक पहुंचते हैं, और मैं इस क्रम किसी भी रस्ते का निंदक नहीं, सब रस्ते पहुंचते हैं परमात्मा तक। इस्लामी रस्ते पे चल के भी कई पहुंचने, जैसे कि फरीद, वैदिक मार्ग पे चल के भी कई पहुंचने, जैसे कि भगत जयदेव रामानंद, और इसी तरीके
सिख मत विच भी पहुंचे ने चोटी रे महापुरुष भाई गुरदास ने पन प्यारे ने भाई मनी सिंह ने बाबा दीप सिंह ने पहुंची हुई आत्मा भाई बनो ने भाई मन ने इसे मार्ग पे चले ना इसे रस्ते नो अपनाया जिन्हें वक् वक् रस्तिया तो दरिया सागर तक पहुंचते ने वक् वक् रस्तिया तो मनुख परमात्मा तक पहुंचे गुरु नानक ने बहुत निर्माण शब्द दिता सिख तू कबूल कर मैं सीखना है और तू कबूल कर मैं कुछ नहीं जानता बड़ा अहंकार में देखता सिखा ने हालांकि जिस तरह गवर्नमेंट के अलग अलग महकमे आते हैं और अलग अलग महकमे के वजीर अपने अपने महकमे संभालते हैं कोई फाइनेंस का कोई डिफेंस का अलग अलग महकमे की तरफ उन्होंने जो है ध्यान होता है उन्होंने शक्ति जो है उस पास लग रही है कोई मनुखों की हेल्थ बारे सोचता है हेल्थ मिनिस्टर बन जाता है वक् इस तरह कौम के भी अलग अलग महकमे आते हैं कोई कौम की आर्थिक उन्नति करे कोई कौम की राजनीतिक उन्नति करे कोई कौम की धार्मिक उन्नति करे कोई कौम की सामाजिक उन्नति करे पर जब कोई एक कोई बंदा आ जाता है तो कहता नहीं यह सारे मैं ही कराऊंगा बस इतों अनर्थ हो जाए हद हो गई जब साडा दंद खराब हो डेंटिस्ट को जाने मोटर मैकेनिक को नहीं जाते तो जब साड़ी मोटर खराब हो जाए कार खराब हो जाए तो डेंटिस्ट को नहीं जाते भी तू ठीक करके दे वो किस तरह कार ठीक करेगा दंद ठीक कर सकता है और जो दंद दुखदा तो मोटर मकैनिक को चले जाइए हथौड़ा उसके हाथे च प्लास उसके हाथे च शहर के सारे तेरे दंद कड़ के रख देगा वो तो मोटर ठीक कर सकता है तेरे दंद नहीं ठीक कर सकता पर इतने एको मोटर मकैनिक या डेंटिस्ट दावा करता है नहीं मोटर भी मैं ठीक करांगा दंद भी मैं ठीक करांगा अखा भी तेरिया मैं ठीक करा कन भी मैं तेरे ठीक करांगा सारी जिम्मेवारी मेरी तो होंदा कि सब कुछ बिगड़ जाता कुछ भी नहीं सब कुछ बिगड़ जाता है सब कुछ खराब हो जाता है ऐसा दावा क्यों अहंकार ते बड़ा निर्माण शब्द दिता सी सिख तू सीखना है और कबूल करके मैं कुछ भी नहीं जानता कम से कम सच बारे में कुछ भी नहीं जानता ये जो सच का मार्ग है गुरु नानक ने सच कह आओ सच जुगाओ सच है भी सच नानक हो सी भी सच जिस महफिल विच बैठे हो इस महफिल नू कहने सत संग उन्हां बंदियां दा कठ जो सत दी संगत करन आए ने ते सत की है परमात्मा संस्कृत दे सत कह देने पंजाबी च सच है उर्दू दे सच है सत संग जिथे बैठ के सत नाल जुड़न की कोशिश हो रही सच्चाई नाल जुड़न की कोशिश हो रही सतसंग जिहड़ा सत नाल जुड़ गया सतसंगी हो सकता है गुरुद्वारे बैठिया भी कोई झूठ संगी हो सतसंगी ना हो अगर उसका वेखना झूठ है अगर उसका बोलना झूठ है अगर उसका सोचना झूठ है वो गुरुद्वारे विच बैठिया भी झूठ संगी है अगर किसी का बोलना सच है वेखना सच है सोचना सच है तो शायद बाजार विच भी खड़ा हो सतसंगी है क्योंकि सत नाल ते जुड़े हुए उसकी सोचने च सच है उसके बोलना भी सच है उसके कर्मों भी सच है उसकी तकनी भी सच है उसके सत्संगी है पर गुरु की हजूरी च बैठ के भी तकनी भी झूठी सोचना भी झूठ बोलना भी झूठ करना भी झूठ एक झूठ संगी है सत्संगी नहीं है मनुख ने पहुंचना है सत तक सच खंड वसे निरंकार तो बाबे ने चार पड़ाव दसे ने यह पंजी मंजिल धर्म खंड ज्ञान खंड शर्म खंड कर्म खंड सच खंड जिस तरह वैदिक ऋषिया ने दसिया कर्म कांड पहले तो कर्म करने ने उन्होंने वंड की थी शरीर के हिसाब नाल तन मन आत्मा उन्होंने इतों तीन पड़ाव बनाए तन मन आत्मा तो तन ले कर्म कांड मन ले ज्ञान कांड आत्मा ले मन ले उपासना कांड और आत्मा ले ज्ञान कांड उन्होंने इंज कह दिता
तन नु लीन करो कर्म काम विच तीर्थां दा रखन इशनान वर्त रखने ने पूजा करनी है अर्चा बंधन करना है दूत देव करना है ते सब कर्म कांड कांड उपासना कांड ध्यान साधना करनी मन नु जोड़ना है और फिर ज्ञान कांड फिर इन्हां दो कर्मा करके कर्म कांड करके उपासना कांड करके ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस्लाम ने तीन पड़ाव दसे चौथी मंजिल शरीयत तरीकत मार्फत हकीकत हकीकत कहने में सच्चाई ना मोहम्मद साहब ने भी सच कह देता है भाई खुदा की है हकीकत सच्चाई जो सच तक पहुंच गया खुदा तक पहुंच गया। तो पहुंचने के तीन पड़ाव दसे ने शरीयत पहले शरा विच आ गए जो मैं शरा दसी है सुन्नत रखे और बकेगा शरी कानून जो सामाजिक तल से राजनीतिक तल से शरीरक तल से है उसकी धारणा करे उन्हें कबूल करे इस्लाम विच पढ़कर स्त्री ले इस्लाम विच हज करना लाजमी है रखना लाजमी है पांच वक्त नमाज पढ़ना लाजमी है शरा शरा तो बाद तरीकत कुछ छोड़े कुछ त्यागे कुछ त्याग करे त्याग की भावना अपने अंदर पैदा करे किधरे धन का त्याग किधरे अहंकार का त्याग और किधरे अपनी जिंद जान का भी त्याग जो लौट पै जाए जहाद का नारा लाया सी त्याग तरीकत त्याग तो बाद मार्फत फिर बैराग चाहिए बैराग कि जगत कुछ भी नहीं है सब कुछ सच है एक व्यक्ति चाहिए बैरागी मार्फत ते बैराग तो लंघ के ही खुदा की प्राप्ति हकीकत शरीयत तरीकत मार्फत हकीकत। गुरु नानक आरंभ कर देने धर्म खंड तो धर्म खंड ज्ञान खंड और फिर शर्म खंड कर्म खंड ते फिर सच खंड। धर्म खंड की है अपने आप विच एक कम से कम एक घंटा मेरे को मंगता है ते इत्थे आके जिस ढंग नाल प्रबंधक सज्जना ने प्रोग्राम बनाए ने मैं उसकी जिम्मेवारी निभानी है। इन्हां चार खंड ते पंजी मंजिल दी विचार आपां कल करांगे धर्म खंड ज्ञान खंड शर्म खंड कर्म खंड सच खंड ते विचार विच तुसीं इह अनुभव करना कि असीं किहड़े पड़ाव ते आ धर्म खंड विच खड़े हाँ ज्ञान खंड विच खड़े हाँ शर्म खंड विच खड़े हाँ कि कर्म खंड विच पहुंच गए हाँ या सच खंड वासी हो गए। बदकिस्मती है कि असीं मुरदियां नाल जोड़ दिता कोई मर गया सच खंड वासी हो गया नहीं जो जीवदियां जी सच खंड वासी नहीं होया मर के नहीं हो सकता जीवनिया जी जिसकी सुरत सच दे चलीन होगी सच की परमात्मा सच की ईश्वर सच की निरंकार सच की परिपूर्ण परमात्मा जिसके सारे दैवी गुण आ जाते हैं जिड़ा उत्थे तक पहुंच गया जिड़ा उस दिन जी रहा है सच खंड वासी। और उसका पहले चार पड़ाव ने धर्म खंड ज्ञान खंड शर्म खंड कर्म खंड इन्होंने विचार कल आप जी के सामने रखांगे क्योंकि 8 बजे दूसरे गुरुद्वारे दास ने हाजिरी करनी है कितने विचार प्रवान करनी है बड़े टिकाओ नाल आपने गुरबाणी विचार नु सरवण कीता है पातशाह रहमत करन बख्शिश करन कि इस मार्ग ते थोड़ी सुरत चल सके ते मैं अर्ज कीती सी ए मार्ग ऐसा है जैसे मच्छी चलती है पानी दे ते रस्ता बनता है उंज कोई रस्ता नहीं। मनुख जब वाहेगुरु जपदा है रस्ता बनता है उंज कोई रस्ता नहीं उंज कोई मार्ग नहीं। इस तरह का बना बनाया मार्ग नहीं है जिमें जमीन देते सड़क हैं ये चलन नाल रस्ता मिलता है उंज नहीं। जपया जपाया नाम नहीं मिलेगा रेडीमेड नहीं मिलेगा। भोजन मिल सकता है बाजार च होटलों च कपड़े मिल सकते हैं रेडीमेड मकान मिल सकता है सब कुछ मिल सकता है नाम जपना पेगा रेडीमेड नहीं मिलेगा जपया जपाया नहीं मिलेगा। इतने आपना हथी आपना आपे ही काल सवारी जपने ही मार्ग बनता है जपने ही रस्ता बनता है उन कोई रस्ता नहीं। कल आप इसकी सारी विचार करांगे सारे अंतिक तौर से धन्यवाद फुल चुक दी क्षमा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत गुरुप्रसाद कहां तुझ प्रभु बुद्ध हमारी वर्णन सके महिमा जो तिहारी हम ना सिफत कर सकत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी कहां लगे एहो कीट बखाने महिमा तोर तुही प्रभ जाने पिता जन्म जो पूत ना पावे कहां तवन का भेद बतावे सम्मान योग गुरु रूप सत्संग जीओ गुरुदेव दी सनिमर फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जमीन ते जो असी चलते हाँ सफर करते हाँ सानू पता चल जाता है कितनी बार असी तय कर ली और कितनी अगे रही है जिसनू कहने ने गुरु पंथ पंथ दे अर्थ ने मार्ग रस्ता पंथी राही पंथ रस्ता जो पंथ ते चल रहा है इस रस्ते विच भी कुछ ऐसे ने जो चल के पहुंच जाते ने कुछ अध विचकार कुछ थोड़ी दूर चले आते ने निराशा घेर लेंदी है कुछ चलन की तैयारी करते ने कुछ रस्ता ही पुछते रहते ने और कुछ ऐसे ने जिन्हें रस्ते की सोच ही नहीं रस्ते के चलन का शौक ही नहीं जिंदगी का यह मुद्दा ही नहीं है मकसद ही नहीं है इन धर्म मार्ग कहते ने गुरु का मार्ग कहते ने गुरु पंथ कल ने अर्ज की ये सारे पंथ ने रस्ते ने इस्लाम सनातन मत जैन मत बौद्ध मत ईसाईयत और इसे तरीके नाल सिख मत गुरमत ये मार्ग ने इस मार्ग विच धन गुरु नानक देव जी महाराज ने चार पड़ाव दसे ने ते मजे बस इसकी थोड़ी जी अज वजाहत करिए जो पहला पड़ाव है इसनू सतगुरु धर्म खंड कहते हैं सनातन मत कर्म कांड कहते हैं इस्लाम शरीयत कहते हैं शरा विच आ जाना इस्लाम के झंडे तले आ जाना कलमा पढ़ लेना और इस्लाम कबूल कर लेना सनातन मत हिंदू मत विच कहते हैं कर्म कांड जितना भी कर्म है शरीरक तल दे पूजा अर्चा बंधन तीर्थां दा रटन दान पुन इत्यादि इनू कर्म कांड कहने ने पुनिया मसिया मनाने संग्रांद इत्यादि तरह तरह के वर्त ये सारे का सारा कर्म कांड विच आ जांदा है बड़ा लंबा चौड़ा इन्हों का कर्म कांड है माघ का इशनान कुंभ का इशनान कुंभी का इशनान तीर्थां दा इशनान बहुत लंबे चौड़े कर्म कांड ने इस तरह साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने पांच खंड बयान किए ने जो इस तरह सतगुरु नाम देते ने धर्म खंड ज्ञान खंड ज्ञान तो पहले धर्म समझ कुछ भी नहीं पता कुछ भी नहीं ते चल पैना धर्म परमात्मा पहले चरण विच ब्लाइंड फेथ है अंधविश्वास है पता तो कुछ भी नहीं ज्ञान के बाद चलेगा सोच समझ कुछ भी नहीं है पहले चलना है
भरोसा करना है, यकीन करना है कि कोई सच है, भरोसा करना है कि सच है। तो हुण मैं अर्ज कर दिया, बिना देखे भरोसा करना बड़ी हिम्मत की गल है। इस वास्ते अगर ईश्वर नूं कोई इनकार कर दे तो कोई प्रत्यक्ष सबूत उसके सामने नहीं रखा जा सकता। नास्तिक की तसली नहीं कराई जा सकती, कोई भी अज तक तसली नहीं करा सकिया। जिहड़ा आखे मैं परमात्मा नूं नहीं मनता, बिल्कुल नहीं मनता, और मैं तां मन सकता मैनूं कोई सबूत दे दे, सामने दिखा दे। ते हुण मैं अर्ज करां, धर्म ग्रंथ यह कहिंदे ने कितना भी वेखीए उस सच नूं पूरा वेख नहीं सकते, कितना भी कथन करिए पूरा कथन नहीं कर सकते, कितना भी सोचिए उन्हों पूरा सोच नहीं सकते। ते हुण मैं अर्ज करा, जिन्हों पूरा सोच सकते हैं वो मनुख की सोच तो वड्डा नहीं हो सकता, जिन्हों पूरा बयान किया जा सकता है वह जबान तो वड्डा, और जिन्हों पूरे का पूरा वेखिया जा सकता है वह तो अखां का विशा हो गया, अखां तो वड्डा नहीं हो सकता। सही बाणी ते कहती है, क्या हूं कथी कथे कथ देखा मैं अकथ ना कथन आ जाए। मैं कथन कर करके देख लिया, वो मेरी कथनी विच नहीं आता, मेरे कहने विच नहीं आता, मैं कह कह के देख लिया। गुरु नानक देव जी महाराज भी ऐसा प्रमाण कर रहे हैं, जे हों जाना, जे मैं उस सच नूं जान भी लिया, समझ भी गया, जुड़ भी गया, आखा ना नहीं मैं कहना नहीं, महाराज मान लिया तो कह दो, रस तुसी मान लिया तो कह दो, पर पता है पातशाह के जी कहते ने, जे हों जाना आखा ना नहीं कहना कथन ना जाए, वो मेरी कथनी विच नहीं आता, वो मेरे कहने विच नहीं आता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी ऐसे को कहा, कहे कहावे, कहा मैं बखानो कहे मोना आवे, मेरे कहने च नहीं आऊंगा, मैं कह कह के देख लिया। पहले कदम विच उस परमात्मा ते भरोसा करना जिन्हों वेखिया नहीं, जानिया नहीं, समझिया नहीं, कोई रस नहीं, कोई पता नहीं, ते फिर भरोसा करिए, गल बड़ी कठिन है, औखी है। जब कभी इस तरह का प्रसंग चले तो मैं एक घटना चेते आउंदी है, स्वामी विवेकानंद की। किसी नास्तिक ने उन्होंने प्रश्न कर दिता कि स्वामी जी, क्या मनुख लई ब्लाइंड फेथ की लोड़ है, क्या बंदे नूं अंधविश्वास चाहिदा करना। एकदम समझ गए विवेकानंद भी यह केड़े तल तो बोलता गया। आखण लगे, चाहिए ब्लाइंड फेथ भी चाहिए, पर एक शर्त है, जिसते फेथ करिए वो ब्लाइंड ना हो, जिसते विश्वास करिए वो अंधा ना हो, उंज अंधविश्वास भी चाहिए। जिस परमात्मा नूं वेख्या नहीं, जानिया नहीं, समझिया नहीं, हम उसते भरोसा है तो अंधविश्वास। ज्ञान बाद विच आउंदा है, इतनी मैच कर दें। सनातन मत ने ज्ञान तीसरे चरण विच रखा है, गुरु नानक देव जी महाराज ने ज्ञान नूं दूजे चरण विच रखा है, दूजे पड़ाव विच। प्रथम ते धर्म, ते हुण धर्म की है इसकी गुरु नानक आप व्याख्या करते हैं, राति रुत्ति थित्ती वार, पाउन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी, सारी धरती धर्मशाला है, धर्म कमाण की जगह, धर्म नूं समझण की जगह, धर्म नूं अपनाण की जगह। धर्म दे अखरी अर्थ ने धारण करना, अखरी अर्थ ए बनते हैं, संस्कृत का यह शब्द है धर्म, अखरी अर्थ बनते ने धारण करना। किसनों नियम नो मर्यादा धारण करना है, किसनों नियम नो धारण करना है, किसनों मर्यादा, मर्यादा नियम।
ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚ ਰਾਤਾਂ ਨੇ, ਰੁੱਤ ਹੈ, ਥਿੱਤ ਹੈ, ਵਾਰ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਯਮ ਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚ। ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਬੇਮਰਿਆਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਤਾਰੇ ਸਭ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਯਮ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਅਨੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਿਖਤਰ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਰਦਿਸ਼ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਰੁਕੇ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਟਕਰਾਓ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਚ, ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਤਾਰੇ, ਜ਼ਮੀਨ, ਰਾਤਾਂ, ਰੁੱਤਾਂ, ਥਿੱਤ, ਵਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚੱਲ। ਤੇਰਾ ਵੇਖਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਸੁਣਨਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਪੀਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਪਹਿਨਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਸੋਚਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਣਾ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਰਿਆਦਾ। ਤੇਰਾ ਹਾਸਾ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮਰਿਆਦਾ, ਨਿਯਮ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਚੱਲ ਜੈਸੇ ਸਭ ਕੁਛ ਨਿਯਮ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਨਿਯਮ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਦੋਂ ਸੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੋਂ ਜਾਗਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਤਰਫ ਆਲਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਿੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਲਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਹਿਚਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਉਂ ਰਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੌਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਉਂ ਰਾਗ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਚਹਿਚਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਉੱਠ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੇ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਯਮ ਦੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿੜੀਆਂ। ਤਵੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਫਰਮਾਉਂ ਬਲਹਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੰਖੀਆਂ, ਜੰਗਲ ਜਿੰਨਾ ਵਾਸ, ਕੱਕਰ ਚੁੱਕਣ ਥਲ ਵਸਣ, ਰੱਬ ਨਾ ਛੋੜਨ ਵਾਸ। ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਛੋੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਉਂ ਭੋ ਫੁੱਟੀ ਹੈ, ਗੀਤ ਗਾਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਉਂ ਪੂਰਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਜਿਉਂ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਲਾਲੀ ਛਾ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੰਧੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਲਣਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਚਹਿਚਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੌ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਪੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੌ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਜਾਗਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਧੂਮਰ ਪਾਨ ਸਮੋਕਿੰਗ ਧੂੰਆਂ ਪਿਆ ਪੀਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਧੂੰਆਂ ਪੀਵੇ, ਨਹੀਂ ਪੀਵੇਗਾ। ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਅਗਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਾਨ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਪੀਆਂਗਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਆਂਗਾ, ਧੂੰਆਂ ਬੰਦਾ ਪੀਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੀਆਂ? ਧੂੰਆਂ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗੈਰ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧੂੰਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਦਰਾ ਸ਼ਰਾਬ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਤੇ ਭਗਤ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਪੀਣਾ ਹੈ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਤਨੀ ਭੁੱਖ ਉਤਨਾ ਖਾਣਾ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣਾ ਗੈਰ ਨਿਯਮ, ਬੇਮਰਿਆਦਾ। ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਬੇਮਰਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਈਸਾਈ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਰਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਅਰਬ ਢਕੇ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਢਕੇ ਹੋਇਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਢਕੇ ਹੋਇਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਈਰਾਨ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੁਰਕਾ ਹੈ। ਖੁਮੇਨੀ ਨੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਬੁਰਕੇ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਈਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸਾਰੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼, ਇਰਾਕ ਹੈ, ਕੁਵੈਤ ਹੈ, ਟੂਨਿਸ਼ ਹੈ, ਮਰਾਕਸ਼ ਹੈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੁਰਕਾ ਹੈ, ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਵਸਤੂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਢੱਕ ਰਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿ ਗਈ। ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੀ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਈਸਾਈਅਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਗਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਗਨਤਾ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਗਨਤਾ, ਤੋਂ ਨਗਰੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਨਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਬਾਬਾ, ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਪੈ ਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ, ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਸ। ਪਹਿਨਣਾ ਸਿਰਫ ਤਨ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤਨ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਈਸਾਈਅਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਗਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਮਿਆਨਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਪਹਿਨਣਾ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਖਾਣਾ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ੇਰ, ਘਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ, ਮਾਸ ਖਾਏਗਾ। ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਗਊ, ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗੀ, ਘਾਸ ਖਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਰਸੀਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਕੁਝ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਦਮ ਤੇ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਖੰਡ। ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ। ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਏ ਸ਼ੇਰ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਸਤ ਪਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ, ਖਾ ਲਿਆ, ਪੇਟ ਭਰ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਾ ਪਹਿਨਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਹੱਸਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਰੋਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ। ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ, ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇਰੀ, ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ। ਹਾਸਾ ਕਿਸ ਤੇ ਆਉਂਦਾ? ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ। ਇੱਕ ਚਲਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਸਰ ਹਾਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਬਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਨੀਵੀਂ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤਵਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਸਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਥਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਸਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ 90% ਮਜ਼ਾਕ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੱਸਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੰਗਾ ਟੇੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਸਰਕਸ ਦੇ ਚ ਕੋਨੇ ਲੋਕ ਮਸਕਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋਕਰ ਇਹ ਦੋ ਦੋ ਫੁੱਟ ਦੇ ਟਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਵੇ। ਉਸਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਸ਼ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬੋਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੱਕ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਗੇ, ਲੰਗੜਾ ਹੈ, ਟੁੰਡਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮਜ਼ਾਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ। ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ। ਬਬਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਭਗਤ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ ਭਗਤ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੂਬੀਆਂ ਹਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਲੇ ਮਹਿਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਾਲਾ ਮਹਿਦਾ ਰੇਸ, ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦਰਵੇਸ਼। ਲੋਕੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੀ ਦਿਸਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਤਾ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਕੱਲੇ ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਦੇਖੇ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰੇਡੀਓ ਟੀਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਜੈਸੇ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਨੇ, ਗਮ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਣਾਅ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਗਹਿਰਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਲਈ ਤੇ ਕੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ। ਜੈਸੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ,
और कहने ने जिसनू अपनिया कमजोरियां दिखाई दे जान वो साधक है इस मार्ग ते चल पाया ते जिसने कमजोरियां नू दूर कर छड़िया साधु हो गया संत हो गया। साधना निर्मल तां के करम, लेकिन पहला कदम तो यही है कि अंदर कमजोरियां दिखाई देनगियां। आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर उहदा एक शेर सामने आया, वह कहता है रंगून की कैद दे सी उठे ही मरिया है और जब जेल की तंग तारी कोठड़ी विच अंग्रेजा ने बंद कर दिता तो होर कोई चारा रहा ना, बार बार अपने आप दे नाल बैठना बेचैन दुखी परेशान, तो आखिर तस्वीर फेरना शुरू कर देते, नमाज पढ़ना शुरू कर देता है, सहजे सहजे ध्यान गहरा जान लग गया। रब का जपया हुआ नाम व्यर्थ नहीं जाता, यह भी मैं अर्ज कर देना। पतित पावन हर बिरग सदाए, एक तिल नहीं पन्ने काले, एक तिल जितनी कालना व्यर्थ नहीं जाती, लिखे लगती फली बहुत होती है। एक मिनट का जपया हुआ नाम भी व्यर्थ नहीं जाता, एक घंटे की कीती हुई बंदगी भी व्यर्थ नहीं जाती, कोई करे सही। बहादुर शाह जफर का ध्यान अंतर्मुखी होने लग पाया और यह बड़ा बुलंद पाया शायर सी कवि सी, इहदी ए नजम मार्फत नाल भरी हुई है, बहुत वड्डी सच्चाई नाल भरी हुई है। यह कहिंदा है जब न थी अपने गुनाहों की खबर, देखते थे दुनिया के ऐबो होना, जब अपने गुनाहों पे पड़ी निगाह तो जहां में कोई बुरा ना रहा। जफर आदमी उसको ना जानिएगा, हो वो कितना ही आलम फैजो जका, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे ऐश में खौफ खुदा ना रहा। कहना जद मेरिया निगाहां बार सन तो दुनिया कोई डेंगी दिसती सी, कोई टेढ़ी दिसती सी, कोई कुरूप दिसदा सी, कोई चोर दिसदा सी, कोई ठग दिसदा सी, कोई बेईमान दिसदा सी, कोई शैतान दिसदा सी, बस सब कुछ यही दिसदा सी। पर आज ध्यान अंतर्मुखी हो गया है, बाकी दुनिया ते खुदा का रूप दिखाई देने लग पई है, मैनू अपना आप शैतान दिखाई देने लग पे, मैनू अपने औगण दिखाई देने लग पे, बाकी दुनिया ते चंगी दिखाई देने लग पई है। अंतर्मुखी होने की एक अवस्था है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए, सदा कोई दावा नहीं कि असी चंगे हैं, पर सदा ऐसा कोई आखना नहीं कि दुनिया बुरी है। एक अवस्था बनती है हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। पहले अपनिया बुराइयां दिखाई देनियां, भगत कबीर कहने कबीर सब ते हम बुरे, पर जे साडे कोल फैसला कोई लग के सी आखां कि कबीर सारिया नालों चंगा है, सारिया नालों महान है, सारिया नालों उत्तम है, पर कबीर कहिंदा है कायनात दे जितने मनुख ने मैं सारिया नालों कहड़ा, ते अमृतमई बचन ने इन्हां नूं किधरे अदकत ने भी ना समझ लेना, यथार्थ ने कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बूझया मीत हमारा सोए। अंतर्मुखी नूं अपनियां कमजोरियां दिखाई देनियां हैं, वो बाहर लोगों के उत्ते उपर उपर निगाह रखता है, गहरा नहीं जाता, तो बाहर ते हर एक दे कोल कोई ना कोई गुण है। मनुख अपनियां चंगियाइयां दी प्रदर्शनी करता है, नुमाइश करता है, चंगियाइयां ते बंदे ने उपर रखी हुई ने, मैं दानी हां, मैं ज्ञानी हां, मैं सत्संगी हां, पर यह ठग है, यह चोर है, झूठा है, तो बंदे ने सब कुछ छुपा के रखे है, तो बंदे ने सब कुछ छुपा के रखे, पर्दे च रखे, हर एक ने पर्दे पाए हुए, 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 हर एक ने पर्दे